नमस्कार, मैं मधु चंद्राकर, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी जंग में हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नामांकन रद्द होने के बाद एक ऑटो वाले फूट फूट कर रोने लगे। यह शख्स सांसद का चुनाव लड़ना चाहता था, मगर एन वक्त पर पर्चा कैंसिल हो गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा वालों ने पर्चा कैंसिल करा दिया। अमरोहा लोकसभा सीट के लिए जारी नामांकन प्रक्रिया के दौरान शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में अलग ही नजारा दिखा। यहां अपना नामांकन निरस्त हो जाने के बाद एक ऑटो ड्राइवर फूट फूट कर रोने लगा। प्रतिद्वंदी पर नामांकन निरस्त कराने का आरोप लगाते हुए ड्राइवर ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही आत्महत्या कर देने की चेतावनी दे डाली। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह करके उसे शांत कराया। मामला हसनपुर क्षेत्र के गांव कानपुर माफी का है। अमीचंद पेशे से ऑटो चालक है। बीते दिन लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया था। वही शुक्रवार को हुई जांच में उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। इसके पीछे वजह खुद ऑटो ड्राइवर के नामांकन में शामिल एक प्रस्तावक बना। जानकारी के मुताबिक प्रस्तावक ने नामांकन की जांच के दौरान शपथ पत्र दिया कि उसे गुमराह कर नामांकन पत्र के शपथ पत्र में हस्ताक्षर कराए गए हैं। यहां तक उसने खुद को प्रस्तावक बनाए जाने की जानकारी से भी इंकार कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या मामला, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ फिर? कैंसिल करा दिया। कागजों में कोई कमी नहीं है मेरे, बिल्कुल भी एक एक नंबर के कागज है। क्या मतलब तुम्हारा पर्चा कैंसिल? कैंसिल करा चुनाव लड़ रहे थे? चुनाव लड़ रहे थे? चुनाव लड़ रहे थे अच्छा, कहाँ के रहने वाले? करनपुर वापिस चले गए, करनपुर जिला अमरोहा। अच्छा, कब भरा था पर्चा आपने? 14 दिन होगा। कौन था आपका वो प्रस्ताव? अच्छा, तो फिर कब पता चला तुम्हें? वकील साहब ने फोन करा, मैं आने आने में देर हो गई। अच्छा, मैं इनसे बार बार करा, एक जने से कुछ हमारे निर्वाचन आयोग 1950 पर फोन करिए करा दिल्ली पर, दिल्ली को मैं इंटरनेट पर सब निकाल लूँ, मैं इंटरनेट का फुल काम जानू मैं। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या हुआ? कोई रेस्पॉन्स नहीं बताया कि कैंसिल होगा प्रस्ताव करगा साइन। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? मैं पार्टी का मरूंगा जी, मैं आने में मेरा कैंसिल का पर्चा कैंसिल ना होगा। क्या करते हो आप? टेम्पू चलाऊंगा, अपना ऑटो मैं लोन पर लिया, मैंने करूंगा, जनता की सेवा करता रहूँ। आम योजना के बारे में जानकारी है मुझे, ब्याज में लिया मैंने, वैसे जाने टेम्पू किस्तों का काम मेरा। तो क्यों लड़ना चाहते थे? मैं अपना जनता की सेवा करना चाहता हूँ। भ्रष्टाचारियों ने टेम्पू वाला पैसा लिया जा रहा है हमारे, खड़ा हूँ मैं। बीजेपी वाले लेते हैं पैसा, मैं अंदर विधायक लेते हैं, सब लेते हैं सर, जितने भी नेता आ जाए ये महेंद्र विधायक भी सब लेते हैं पैसे। हम तो लेते हैं मुंशी बैठा रखे, जगह दलाल बैठा रखे हैं टेम्पू चलवाने के, मुंशी बैठा रखे जगह जगह दलाल बैठा रखे हैं। तो आप टेम्पू वालों की मदद करने की वजह से चुनाव लड़ रहे हो? किसी वजह से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बस, मेरा ये देर यही था। अरे उनको गरीब जनता के द्वारा मेरी योजना को लाभ मिल सके, बड़े बड़े पेंशन ये सब काम कराता रहता हूँ मैं, आगे भी करता। मैं मेरे पर कुछ नहीं।